पुराना हॉस्पिटल। ये है जंगल कैफे, जो है मरीजों का बेड लगाए रखते थे। पेड़ नीचे गिर रखा है, कितना भयंकर हो रखा है। मुंह पे लगाने की थी भैया, सोच लो पहले। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पशुपतिनाथ मंदिर पे, तो अभी हम जाएंगे इसके अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम आ रखे हैं मंदिर पे और आज है बर्थडे, तो सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पे आ रखे हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में, पशुपतिनाथ मंदिर में। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। तो सामने भी है मंदिर और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना ना खाएंगे, केक काटेंगे और आपको नज़ारा दिखाते रहेंगे। हमारा खाना रेडी हो चुका है, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना रेडी हो चुका है, तो अब इसको खाते हैं। पेड़ पर चढ़ते हुए ये है सबसे बड़ा बंदर, संजू बंदर। संजू बंदर यहाँ देखो, जरा फोटो तो अच्छी आ रही है, मतलब वीडियो शूट अच्छा हो रहा है यहाँ पे आपका। दोस्तों, बर्थडे गर्ल ने ड्रेस चेंज कर लिया अपना, बर्थडे केक काटते हैं अब। चलो, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। दी ने दिया है मेरी दीदी को केक, गले तो लगाओ यार। कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा। हमने खाना ना खा लिया है और यहाँ पे जो भी जितने भी हम लोग ने सामान लेके आए थे, कूड़ा हो रखा था और यहाँ पे जितनी भी गंदगियाँ थी, उन सबको हमने यहाँ पे जला दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं। और प्लीज जो भी ना आता है तो यहाँ पे प्लीज गंदगी ना करे, क्योंकि इतना सुंदर सा मंदिर बना रखा है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं और विदा करते हैं, और काफी अच्छा सीन था यहाँ का। बाय बाय, जाते हैं। बाय गाइस। हाँ, तो दोस्तों हम जा रहे हैं यहाँ से। आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा रहा, मजा आ गया। हम अभी जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं दोस्तों। हम आए थे गाड़ी से और जा रहे हैं पैदल, एडवेंचर हो गया था, मजा आ गया। ओए ऊपर से आ रहा था वो, ये रास्ते ले वो रास्ते वो नहीं मिल रहा। हां, पिछली बार यहीं से गए थे, जहां से रुकी जा रही है। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं इस जंगल पे, काफी सुंदर जगह है ये, पूरा पिंक येलो कौन सा कलर है ये, हाय मजा आ गया। तो अब छोटा सा रील्स बनाते हैं।
दोस्तों इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करिएगा और इंस्टाग्राम की आईडी ये है, तो आप लोग जरूर मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अभी रास्ते पे। अभी ये देखिए हम कौन सी जगह पे आ गए हैं। ये है चंडाक में हॉस्पिटल, बहुत ही पुराना हॉस्पिटल, बहुत साल पहले का हॉस्पिटल है ये। अभी पूरा खंजर बन चुका है ये, तो बहुत ही सुनसान रास्ता है ये अभी। और इसी के सब जगह देखो घर की हालत, बहुत साल पुराना है ये। हेलो, यहाँ की चौकीदारी कर रहे हो क्या आप? कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो, बताओ हमें। हेलो, हाय। इतनी सुनसान जगह में भी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है हमें। यार क्या बात है, इस रेस्टोरेंट के बगल पे ही शायद यहाँ पे कोई रहते हैं। वाव, अब आएगा मस्त वाला सीन। यहाँ पे देखिए इतना मस्त सा कुर्सी बना रखा है और फोटो सेशन भी कर सकते हो आप यहाँ पे बढ़िया करके। तो ये है जंगल कैफे, काफी बढ़िया है। और ये जो है बहुत ही पुराना है यार, देख सकते हैं, बल्कि काफी अच्छा है और मजा आ रहा है आज के दिन। तो दोस्तों ये देखो पूरा खंजर हो चुका है, यहाँ से जितने भी पहले के टाइम पे ये जो बना होगा वो भी पूरा पत्थर का बना हुआ है। मामा हमें दिखा रहे हैं ये कितने साल पुराना खंजर हुआ जमीन। यहाँ देख सकते हैं पूरा ये क्या क्या उग रखा है। यार हमें ये कौन से रास्ते से, मुझे डर लग रहा है सही में। मामा कहाँ ले जा रहे हो ये? नहीं नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं, दिखा रहा हूँ कुछ नहीं है। ये देखो बहुत ही गंदी जगह है। उस टाइम का हॉस्पिटल, अरे ये गैलरी, पहले के टाइम का हॉस्पिटल है ये, मिशनरी वाला था। मिशनरी सेकंड फ्लोर में जाने के लिए। हे भगवान, यहाँ के बेड होते थे, बेड मरीजों के। यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले के टाइम का हॉस्पिटल। तो यहाँ से नीचे जाने वाला भी है। अभी हम लोग ये कहाँ से रास्ते जा रहे हैं? अब हो गया, हाँ ये बहुत है, इतना हो गया, बहुत डर लग रहा है। इधर आओ भाई, बहुत साल पुराना है ये। यार ये ब्लॉक के चक्कर में मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है। यार पूरा अंधेरा है बहुत। मामा बता दे कि हमें यहाँ पे जो है मरीजों का बेड लगाया रखते थे और ये बहुत ही साल पुराना, 200 साल पुराने की बात है ये। देख सकते हैं अभी ये इसका हालत क्या हो रखा है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर। सामने पे ही है चर्च, इसके बारे में भी कुछ बताओ मामा जी, कुछ खास। ये भी उसे सन का है, लिखा भी होगा देखा। इसमें पादरी आता है। यहाँ से अंदर देख सकते हैं कुर्सी वर्सी लगी हुई है, ईश्वर का घर। तो ये देख सकते हैं, ये है आपका चंडा के सबसे भयंकर वाले जगह, खतरनाक वाले जगह पर है ये। दोस्तों ये देखिए चंडाक पे ना यहाँ पे पेड़ गिर रखा है, इतना बड़ा सा पेड़, वो भी इस घर को टच कर रखा है। वो कैसे दौड़ते हुए आ रही है, स्कूल की छुट्टी हो गई मेरी। जैसे है कोई शाम भी नहीं, दिन ना 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 ना, आज का ये दिन कितना खूबसूरत था। तो ये है आपका चंडाक, पूरा हो चुका है हमारा यहाँ का आज का घूमना। मेघना कैफे ऑन द रॉक्स, तो देखिए कितना अच्छा है। तो मेघना रेस्टोरेंट से भी हम जा रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर नहीं गए। चलो यहाँ से पैदल। मस्त जगह, मजा आ रहा है। ला 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 ला। हे गाइस, सफर है ये मौसम ना, आ जाओ मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों देखिए चंडाक से दिखता है ये पिथौरागढ़ का इतना सुंदर सा व्यू, काफी बढ़िया सीन दिख रहा है यहाँ से, देख सकते हैं। और पिथौरागढ़ जब भी आओ तो आप चंडाक पे जरूर घूमने आइएगा।
दोस्तों यहाँ पे देखे कितनी भयंकर खाई है यार, क्या भयंकर है यार। तो अभी हम जा रहे हैं जियो वाले रास्ते पे, तो चलिए आइए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा पेड़ नीचे गिर रखा है, कितना भयंकर हो रखा है। और देखिए यहाँ पे सब बच्चे ऐसे जाते हुए, मुझे भी यहीं से घुस के जाना पड़ेगा। ओ चलो यार। और सामने पे देखिए, ये है फैक्ट्री। मैं यहाँ तक कभी नहीं आई हूँ। जो एडवेंचर हो रहा है क्या, बिना डरे चलना भी। ये सीन तो बढ़िया रहे। और यहाँ से नीचे देखिए ये ऐसा घूमना है, ऐसा करना है, ऐसा घूमना है। और ये देखिए नीचे पे क्या है, इतना मस्त है यार। रुक जाओ यार, स्पेस कम है एक तो मेरे। बाय बाय। देख रहे हो आप सामने से बहुत ही पुराना फैक्ट्री। फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हो काफी बढ़िया है। और अभी हमें नीचे पे भी एक और चीज देखना है, वो आपको भी हम दिखाते हैं। तो ये है फैक्ट्री और उसका वेस्ट मटेरियल, बहुत ही पुराना है ये। लला का ये है सामने पे घर। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जसली लला का बहुत ही पुराना, बहुत सालों पहले का रेस्टोरेंट, जो अभी यहाँ पे इसका अब कुछ भी महत्व नहीं है, सारा चीज यहाँ से खत्म हो चुका है। और अभी हम लोग चल रहे हैं पैदल। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये बन रहा है आपका स्विमिंग पूल, इतना बड़ा भी। ये आपका फैक्ट्री के बगल पे ही बन रहा है, बहुत ही बड़ा है ये। हमारा एडवेंचर काफी बढ़िया, मजा आ रहा है। बड़ा है स्विमिंग पूल है ये, और यहीं पर ही बगल पे ये लोग रहते हैं। वाओ यहाँ से देखिए यार, क्या मस्त लग रहा है। और ये पहाड़ देखिए, क्या करें यार, कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी थोड़ा देख सकते हैं। हमारी खुली आंखों से देखो, क्या मजा आ रहा है। और ये जगह ना मैं हर वक्त वीडियोस पे देखती थी, तो आज मैं खुद ही अपनी आंखों से देख रही हूँ, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पर आने का मेरा कब से मन था, बहुत ही टाइम से मन था। तो फाइनली बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और यहाँ से व्यू जो है बहुत ही बढ़िया आ रही है। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं झंडा के सामने पे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। सांस लग रही है थोड़ी सी। तो चलो देख सकते हैं, काफी बढ़िया। तो हम लोग गए इस पोल के बगल में, क्या है पोल आधा ऐसा यार। अभी झंडा लहर ही नहीं रहे यार, झंडा लहर जा तो अभी यहाँ पे देखिए झंडा मस्त तरीके से लहरा रहा है। और हमारे साथ ही लोग भी चले गए, बहुत ही टाइम हो चुका है और अंधेरा होने वाला है। तो दोस्तों इस फोन की बैटरी लो होने वाली है और स्पेस भी ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।